एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है। इससे पहले भी मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप लोग वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मैं उन दो वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से वाटर कलर के साथ जामिनी रॉय पेंटिंग कम्प्लीट किया हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, जामिनी रॉय पेंटिंग में तो ज़्यादातर वो नेचुरल कलर ही यूज़ होते हैं, मतलब नेचुरल कलर ही वो मतलब जामिनी रॉय यूज़ करते थे उस पेंटिंग को कंप्लीट करने में, जैसे कि लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, मतलब बहुत कुछ से वो नेचुरल कलर यूज़ करते थे उसके मतलब कंप्लीट करने के लिए। बट वैसे तो हम अभी नहीं कर सकते, तो अभी मैंने यूज़ किया है वाटर कलर एकदम सिंपल तरीके से। और आप लोगों के लिए और एक चीज़ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है, वो है स्केच पेन, ब्लैक स्केच पेन। या फिर अगर आप लोगों के पास ब्लैक स्केच पेन नहीं हो तो आप वो कैमलिन का जो एक पेंसिल कलर आता है ब्लैक कलर का, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो देखिए, जो जामिनी रॉय जो पेंटिंग है इसमें ज़्यादातर कर्व लाइन का यूज़ होता है, स्ट्रेट लाइन का ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। तो और कुछ नहीं, बस इतना ही कुछ काफ़ी है। और इसका और एक नाम है, वो है बंगाल फोक आर्ट, बहुत ही फेमस पेंटिंग है इस बंगाल का। तो जामिनी रॉय का अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पेंटिंग। तो अगर आप लोगों को मेरा पेंटिंग अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, जो कुछ करना होता है वो सब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे डोम्स का 12 सेट का कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लैक स्केच पेन नहीं था तो इसलिए मैं वो ब्लैक कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो बट आप लोगों के पास अगर ब्लैक स्केच पेन है तो आप ब्लैक स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास नहीं था तो मैं इसीलिए ब्लैक पेंसिल कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे वाटर कलर, ब्लैक वाटर कलर से मैं आई और आईब्रो बना रहा हूँ, पर आप लोग चाहे तो ब्लैक स्केच पेन से या फिर ब्लैक पेंसिल कलर से भी बना सकते हैं। तो मैं फेवर करूँगा ब्लैक स्केच पेन से या फिर ब्लैक पेंसिल कलर से ही बनाएंगे, क्योंकि वाटर कलर से बहुत दिक्कत भी आती है। और तो मैं यहाँ पे येलो कलर का बैकग्राउंड इसलिए दिया हूँ ताकि मेरा ड्राइंग और भी मतलब ब्राइट लगे और अच्छा लगे। ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।